बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के एक पोस्ट से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल गोपाल भार्गव ने मध्य प्रदेश में बच्चियों से हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सवाल किया कि क्या हम रावण दहन के अधिकारी हैं। भार्गव के इस पोस्ट को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पूर्व मंत्री ने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने बच्चियों से दुष्कर्मों को लेकर किया सवाल। भार्गव ने लिखा, एक तरफ कन्या पूजन, दूसरी ओर अबोध बेटियों से रेप हो रहे हैं। पूर्व मंत्री ने पूछा, क्या हम रावण दहन के अधिकारी हैं? गोपाल भार्गव को जीतू पटवारी ने दिया धन्यवाद। क्या गोपाल भार्गव ने कन्या पूजन के बहाने सरकार को दिखाया आईना? मध्य प्रदेश में बच्चियों से दुष्कर्मों की घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि वर्तमान परिदृश्य में क्या हम रावण दहन के अधिकारी हैं। उन्होंने लिखा, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, गांव से लेकर शहर तक जगह जगह पर देवी जी सहित कन्याओं का पूजन हो रहा है। 5 दिन के बाद दशहरा आएगा, देश भर में गांव से लेकर शहरों तक लोग रावण का पुतला दहन करेंगे। आजकल जहां अखबारों में एक तरफ दुर्गा पूजन और कन्या पूजन की खबरें छपती हैं, तो उसी पेज के दूसरी तरफ 3 साल और 5 साल के अबोध बालिकाओं के साथ दुष्कृत्य और उनकी हत्या करने की खबरें भी लगातार पढ़ने और देखने में आती है। मैंने ये भी गौर किया है कि दुनिया के किसी भी देश में मुझे ऐसे समाचार पढ़ने या देखने को नहीं मिले। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव की इस पोस्ट को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तुरंत लाइक किया और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि गोपाल भार्गव जी, आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मध्य प्रदेश में बेटियों के साथ हो रहे अपराधों को स्वीकार किया। ये मुद्दा भाजपा या कांग्रेस का नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा का है, जो हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें मिलकर ही हमारी बेटियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाना होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बेटियों के हित में आप भी हमारे बेटी बचाओ अभियान में सहभागी बने और एक संरक्षित और भयमुक्त प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दें। कि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने और सरकार से मंच पर उचित सम्मान नहीं मिलने से पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में अब सियासी गलियारे में चर्चाएं हो रही है कि गोपाल भार्गव ने नवरात्रि और कन्या पूजन के बहाने सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।